चीन की सेना हर सेकंड युद्ध के लिए तैयार रहे, उन्हें कभी भी युद्ध लड़ने के लिए कहा जा सकता है। अब भारत के लोग या मीडिया इसे इस तरह से दिखा रही है कि चीन हमारे पे कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला, कुछ हमला नहीं करने वाला, दुनिया का ध्यान जैकमा से भटकाने के लिए, या फिर इंडियन मीडिया या फिर इंडिया इस मामले को बहुत आगे ना उठाए इसलिए ये कह रहे हैं लड़ने के लिए तैयार बैठो। मतलब साले तुम अब तैयार बैठोगे, इससे पहले क्या कर रहे थे? मतलब जो अप्रैल से जो बैठे हो, मतलब क्या कर रहे थे वहां पे? लोटा लेके बैठे थे क्या वहां पे? तुम भी तैयार बैठे थे, हम भी तैयार बैठे थे। तुम हमारे 20 जवानों को मारे, हम तुम्हारे 40 से ज्यादा को मारे। फर्क यही था कि हमने अपने जवानों को वीर गति से जो सम्मान मिलना चाहिए, राष्ट्रीय सम्मान से उनका अंतिम संस्कार किए। तुमने साले पता नहीं क्या खा गया सब, उन सब को भी कि कुत्ता बिलार को खिलाया कि कहां फेंक दिया ये भी नहीं पता चला तुम लोग का। मतलब चीन वाले तुम समझते हो कि सब दिमाग तुम्हारे ही पास है, तो जैकमा को छुपाने के लिए तुम कह दो कि किसी भी सेकंड लड़ाई लगी जा सकती है और बाकी दुनिया लोल है, तुम्हारी बातों को सुन लेगी। और हम लोग को क्या पता कि भैया हम लोग तो अनपढ़ है, लोग नहीं समझते तुम्हारी चाल क्या है। ससुरे को लड़ना है तो लड़ो ना, पूरी दुनिया जानती है कि वहां लड़ाई जीतनी थी तो ठंड के दिन में जीत सकते थे। अब ससुरे ठंड खत्म हो गई तो तुम कह रहे हो कि किसी सेकंड लड़ाई के लिए रेडी रख सकते हो। जब किसी सेकंड लड़ाई के लिए रखना है तो 20,000 फौज को पीछे क्यों बुला दिए घोड़ा कहीं का? जब तुमको लड़ना ही है तो आगे लेकर भेजो और कहो किसी सेकंड के लिए लड़ाई के लिए रेडी रहो। मतलब जैकमा का ध्यान भटकाने के लिए तुम कुछ बोलोगे?